जय 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 भीम, जय 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 भीम। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। आज ब्लॉक कैथरा के ग्राम मोहल्ला चमन में एक सामूहिक रूप से सभी के सहयोग से जो भीम कथा शुरू हुई है, उस भीम कथा को शुरू कराने वाली पूरी कमेटी और समस्त ग्रामवासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने इस वर्ष से इस गांव में इस बेहतर आयोजन का प्रारंभ किया है। साथ ही साथ ये गांव मेरा परिवार है, कोई मेरा बड़ा भाई है, कोई छोटा भाई है, कोई चाचा है, कोई मौसा है, कोई भाभी है, कोई चाची है, कोई मौसी है, सब मेरा परिवार है। और मैं पूरे परिवार की तरफ से इस गांव में पधारे हुए भाई रूपेश शास्त्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार रूपेश शास्त्री जी के लिए तालियां हो जाए। मेरे प्यारे बच्चों, आप 5 दिवसीय बच्चा ही 7 दिवसीय, 7 दिवसीय इस 7 दिवसीय कथा में शास्त्री जी आपको बाबा साहब के जन्म से लेकर और उनके पुनर्निर्माण तक की सारी घटनाओं का संगीत के रूप में वर्णन करते हैं। उनको आप एक संगीत की तरह मत लेना, बाबा साहब के संघर्ष को आप इस मंच से महसूस करना कि बाबा साहब जब पैदा हुए उस समय सामाजिक दशाएं क्या थी। हम लोग यहाँ बैठकर ये सामाजिक आयोजन कर रहे हैं, आप बाबा साहब तथागत बुद्ध के चित्र लगा के हम लोगों को अपने पास में बुलाकर प्यार और सम्मान दे रहे हैं। अपने घर में पूरे आदर सम्मान से बैठे हुए ये दशा उस समय नहीं थी। उस समय हम न सार्वजनिक जगहों से पानी ले सकते थे, ना ही सार्वजनिक जगहों पर उठ बैठ सकते थे। किताबों में तो यहाँ तक लिखा है, इतिहास तो हमें यहाँ तक बताता है कि हम सिर्फ दोपहर के समय घर से बाहर निकल सकते थे, कि हमारी परछाई ही हमारे पैरों पर गिरे, हमारी परछाई अगर सुबह शाम निकलेंगे तो किसी और पर पड़ सकते। तो मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ परम पूज्य बोलकर भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कि उन्होंने हमें जानवर से गिरी हुई दशा से इंसान वाला जीवन दिया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि परम पूज्य बाबा साहब हमें जो जो हक और अधिकार देते रहे, जिनकी वजह से हम सांस ले पा रहे हैं, मनपसंद कपड़े पहन पा रहे हैं, मनपसंद घरों में रह पा रहे हैं, उन सारे अधिकारों को बचाए रखना। और उन सारे अधिकारों को बचाए रखने का एक ही औजार है अपने पास, एक ही अस्त्र है अपने पास, एजुकेशन। अगर हर हमारे आने वाली पीढ़ियां शिक्षा से जुड़ी रहेंगी तो इन हमारे अधिकारों को कहीं भी कोई भी सरकार खत्म नहीं कर पाएगी। तो मैं ये जो मेरे बच्चे बैठे हुए पापा जो भी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि वो किसी भी हालत में अपनी पढ़ाई न छोड़े, अपने घर की दशाएं जो भी रहे, क्योंकि मैं भी इसी समाज से संबंधित हूँ, आप भी इसी समाज से संबंधित हैं। इतने समय बाद भी, बहुत सारे प्रयासों के बाद भी हम सभी की अभी भी आर्थिक स्थिति, रुपए पैसे की स्थिति उतनी अच्छी नहीं हो पाई जितनी की अच्छी अन्य लोगों की। तो उन स्थितियों में हमारे बहुत से छोटे बहन भाइयों की पढ़ाई बीच में छूट जाती है। यहाँ पर जो अभिभावक बैठे हुए हैं जिनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं किसी न किसी स्तर पर, कोई 6वीं में, कोई 8वीं में, कोई हाई स्कूल में, कोई 12वीं में, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है या बहुत अच्छी अच्छी पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो किसी भी स्थिति में आप हर तरीके की परेशानी उठा लेना, लेकिन अपने बच्चों की पढ़ाई में किसी भी तरीके का रुकावट मत आने। और यहाँ पर बैठी हुई यहाँ पर माता शक्ति से ये मैं कहना चाहूंगा कि अगर पुरुष उतना परिवार पर ध्यान नहीं दे पाता तो आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप
अपने बेटों पर, आप अपनी बेटियों पर पूरी निगरानी रखिए और उनकी पूरी पढ़ाई लिखाई का हर तरीके का प्रबंध उनका करिए, क्योंकि एक महिला की शक्ति भी परिवार, बाबा साहब कहा करते थे कि मैं किसी भी समाज का विकास उसके उस समाज की महिलाओं के विकास से नापता हूँ। अगर उस समाज की महिलाएं विकसित हैं तो समझिए वो परिवार विकसित है। आप तुलना करिए अन्य समाज की महिलाओं से और अपने समाज की महिलाओं से, वो महिलाएं भी पुरुषों के बराबर अपने बच्चों पर ध्यान देती हैं, लेकिन वो शिक्षित है, हमारे परिवार की महिलाएं अशिक्षित है, लेकिन हमको प्रयास बराबर करते रहना होगा। दूसरी एक मैं बात यह करना चाहूंगा, बाबा साहब के बारे में तो आपको सात दिन सुनने को मिलेगा, उनके बारे में मैं क्या ही बताऊंगा, शास्त्री जी बहुत विस्तार से बताएंगे। हमने बहुत से गांव देखे हैं जो एक ही समाज के, वो समाज कोई भी हो सकता, इसी तरह से यह गांव भी पूरा हमारे समाज का, तो इस गांव के बड़े बड़े लोग और हमारे साथ के नवयुवकों की ये जिम्मेदारी है कि पूरे गांव में एक एकता बनाए, किसी भी तरीके से गांव में दो या तीन पार्टियां हैं, आप अगर गांव में एकता बनाए रखेंगे तो यकीन मानिए आपके गांव की जो प्रगति आज है उसमें कई गुना की रफ्तार होगी। अगर गांव में कोई आदमी एक विकास कर रहा है तो दूसरे की जिम्मेदारी है उसके विकास से सीख ले और उसके विकास का हिस्सेदार बनकर उसके साथ खड़ा हुआ दिखाई दे, तो आपका विकास भी कल नहीं तो परसों हो जाए। लेकिन अगर आपके गांव का कोई एक या दो व्यक्ति विकसित है और यदि आप उससे ईर्ष्या की भावना रखते हैं, उससे आप जलन की भावना रखते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपका विकास भी कभी भी संभव नहीं है। आप जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में रह जाए, आप उस व्यक्ति से सीख लीजिए कि उस व्यक्ति का विकास कैसे हुआ है, तो हम भी उसी तरीके से विकास कर सकते हैं। और सबसे सरल रास्ता विकास करने का है एजुकेशन। हमारे समाज में जितनी भी नौकरियां हैं, आज पढ़ाई की जगह चाचा रिटायर होकर यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर इन्होंने पढ़ाई नहीं करी होती तो आज ये पोस्ट ऑफिस में मुखिया की तरफ से रिटायर हुए, राज्यपाल की तरफ से रिटायर हुए, ये संभव नहीं है। तो बच्चों आप अपनी पढ़ाई बराबर जारी रखना, 15 साल 20 साल की मेहनत लगेगी, आप 20 साल 22 साल 25 साल की उम्र तक आपको वो मिल जाएगा जो आपको मिलना चाहिए। अब तो हमारे समाज में शिक्षक बहुत है, यहाँ पर आरके सर बैठे हुए हैं, किसी टाइम में कंपटीशन की कोचिंग दिया करते थे, लेकिन आज भी हमारे समाज का कोई बेटा या बेटी किसी भी कंपटीशन में मार्गदर्शन चाहता है तो आरके सर उपलब्ध रहते हैं। इसके साथ ही मेरे साथ आए हुए मेरे बड़े भाई अनूप कुमार अध्यापक, छोटे भाई प्रदीप कुमार अध्यापक विवेकानंद, बड़े भाई मुकेश अध्यापक, इन सभी की ओर से भी मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं और कोशिश करूंगा कि सात दिनों में बीच में भी एक दो बार आऊं। इसी के साथ आप सभी लोगों को मेरा सादर नमन करता है। जय भीम।